हेलो फीचर टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। सो यूनिट थर्ड का प्लानिंग एंड लर्निंग बचा हुआ था टॉपिक, सिलेबस को देख लेते हैं। यूनिट थर्ड का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया था, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ टीएल सिस्टम बचा हुआ है, ये जल्दी से कम्प्लीट कर लेते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग सिस्टम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज स्टैंड फॉर द प्रोसेस of managing all the resources in a systematic manner for achieving predetermined task, management involving planning, organizing, leading, controlling and process. Teaching and learning management system में उसमें ये सारी चीजें होती है, किस तरीके से plan करना, organize करना, leading करना, control करना process को, ठीक है। इस सब से मिलकर एक management system तैयार किया जाता है। F.W. Taylor, according to F.W. Taylor, management is the art of knowing what you want to do in the best and cheapest way. Management एक ऐसा art है जो कि जानता है कि कोई भी चीज कैसे करना है best और cheapest way में, ठीक है। Characteristic, first one is motivational. Through involvement of management, the teacher is made more concise and encouraged toward his duties. टीचर बहुत ही ज्यादा इसमें मतलब अपनी ड्यूटी को करने के लिए इंकरेज रहते हैं हर टाइम और बहुत ही मोटिवेशनल रहते हैं। कोऑर्डिनेशन, यूजिंग मैनेजमेंट अप्रोच, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द टीचिंग एक्टिविटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड। मैनेजमेंट अप्रोच के थ्रू सारी मतलब टीचिंग के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन होता है टीचिंग एक्टिविटीज में वो एस्टैब्लिशमेंट होता है। गोल ओरिएंटेड, टीचिंग एक्टिविटी कैन बी मेड पर्पजफुल थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट इन टीचिंग। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज, टीचिंग थ्योरीज कैन बी डेवलप थ्रू मैनेजमेंट। बेटर रिलेशनशिप, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी एस्टैब्लिश्ड। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपमेंट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पीपल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। प्रमोट्स ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड टीचिंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग कैन बी मेड ऑब्जेक्टिव सेंटर। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट हेल्प इज सर्व्ड इन द सेलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एड्स। इट मेक पॉसिबल द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट इम्प्रूव द इनपुट एंड गिव्स बेटर आउटपुट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। इट कैरिड आउट इन अ सिस्टमैटिक मैनर सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक था इसका। अब सबसे पहले हम लोग प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। प्लानिंग टीचिंग एंड लर्निंग, प्लानिंग इज द मोस्ट बेसिक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो प्लानिंग होता है। किसी भी चीज के बारे में आप कैसे प्लानिंग करते हैं, इट प्रोसीड अदर फंक्शन बिकॉज अ मैनेजर प्लान्स बिफोर ही एक्ट। एक मैनेजर सबसे पहले प्लान करता है एक्ट करने के पहले। प्लान इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग फोर्स ऑफ एक्शन दैट विल लीड टू द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना होता है, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना होता है जो कि अचीवमेंट को लीड करता है, ठीक है। प्लानिंग प्रोवाइड आंसर टू फॉलोइंग एरियाज, व्हाट एक्शन आर नेसेसरी टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव, व्हाई आर दीज एक्शन नेसेसरी, ये एक्शन नेसेसरी क्यों है, हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्शन, कौन इस एक्शन का रिस्पॉन्सिबल होगा, वेयर वेन एंड हाउ विल दीज एक्शन टेक प्लेस, कैसे एक्शन को कैसे परफॉर्म करना है, किधर परफॉर्म करना है, कहाँ परफॉर्म करना है, ठीक है। एक्टिविटी इन्वॉल्व इन प्लानिंग, सबसे फर्स्ट वन इज टास्क एनालाइज। टास्क एनालाइज के अंदर आता है जैसे कि आप कोई भी टास्क है, ठीक है, उसको किस तरीके से कैटेगराइज करते हो, ठीक है, कोई भी कंटेंट कैसे सिलेक्ट करते हो, जॉब और उसके लिए सब कैसे, कोई भी कंटेंट और टॉपिक एनालाइज सबसे पहले आप करोगे, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। फिर उसमें ये होता है कि उसको आप डिवाइड कर सकते हो पार्ट वाइज, जैसे कोई आपको एक टॉपिक पढ़ाना है उसको पार्ट वाइज आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी इसका गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। राइटिंग द टीचिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स, ऑल द असेंटेंट एंड कन्फ्यूजन विल बी रिमूव, जो भी कन्फ्यूजन चीजें होती है वो रिमूव की जाती है। इट विल हेल्प इन एडवांस स्टडी, एडवांस स्टडी में हेल्प करता है।
इट कंपैरिजन बिटवीन द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ टीचर एंड पीपल विल बी एस्टैब्लिश. जो भी बिहेवियर होता है टीचिंग में, क्लासरूम में और स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो एस्टैब्लिश होता है. मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड अदर एक्टिविटी वुड ऑल्सो भी पॉसिबल. ठीक है, सॉरी, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस भी वो किया जाता है, परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया जाता है. ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड इंडिकेट डिजायर्ड बिहेवियर. बिहेवियर मेनली इसमें चेक होता है. मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मस्ट बी देयर इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्ट का मास्टरी होना बहुत जरूरी होता है गोल को अचीव करने के लिए. ये सारी चीजें टीचिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आती है. अब नेक्स्ट वन, राइटिंग द टीचिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म. बिहेवियर टर्म में भी वही सारी चीजें, बिहेवियर को देखकर मेजर किया जाता है कि किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए बच्चों का, टीचर्स का, ये सारी चीजें मेजरमेंट की जाती है. तो प्लानिंग में बेसिकली यही सारी चीजें आती हैं. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एंड लर्निंग. ऑर्गेनाइज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म फॉर अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव. इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है वर्क को, ग्रुपिंग किया जाता है, मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है चीजों को, जो भी आप प्लानिंग किए. ऑर्गेनाइज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द प्लान इनटू एग्जिस्टेंस. जो भी प्लान होता है उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है. इट इज अ मीडिया थ्रू विच गोल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर अचीव. ये एक मीडियम है, एक मीडिया है जिसके थ्रू हम गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. आफ्टर प्लानिंग द टीचिंग इज नेक्स्ट फेज इज ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट फेज ऑर्गेनाइजिंग है प्लानिंग के बाद. आईकी डेविस हैज डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग लर्निंग इज द वर्क और टीचर डज टू अरेंज द रिलेट लर्निंग रिसोर्सेज. टीचर जो है कि लर्निंग रिसोर्सेज को अरेंज करता है, रिलेट करता है, सो एज टू रियलाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट इफेक्टिव, इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल वे पॉसिबल. जो जिससे कि टीचिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सके, इफिशियंट हो सके और इकोनॉमिकल वे पॉसिबल हो सके, इकोनॉमिकली मतलब इफिशियंट हो सके. एक्टिविटी सेलेक्टिंग एंड अप्रोप्रिएट टीचिंग टैक्टिक्स. टीचिंग टैक्टिक्स इसमें सेलेक्ट किया जाता है किस टैक्टिक्स से पढ़ाया जा सके. सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑडियो वीडियो एड्स, कौन से ऑडियो कौन से वीडियो यूज करके पढ़ाया जा सके. क्लास साइज, क्लास का साइज डिसाइड करते हैं कितना होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, किसके थ्रू मतलब कम्युनिकेशन, कौन सी स्ट्रैटेजी से कम्युनिकेशन करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होती है. मॉनिटरिंग टीचिंग एंड लर्निंग. मॉनिटरिंग इज अ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक loosely defined or listening to the learner for their accuracy and fluency or checking to see whether activity are going to plan and that the learner are on task. यहाँ पे main monitor किया जाता है, ठीक है, कि बच्चे जो हैं वो उनकी एक्टिविटी क्या है, fluency क्या है, क्या वो activity सही से perform कर रहे हैं जितना plan हुआ है उनका, क्या वो task अच्छे से कर रहे हैं, ये सारी चीजें monitor किया जाता है. When to monitor, purpose of monitor and process of monitor. इसमें यही सारी चीजें चेक करते हैं कि कैसे, कब मॉनिटर करना है बच्चों को, किस टाइम पे मॉनिटर करना है. व्हेन टू मॉनिटर, मॉनिटरिंग गोज ऑन ऑल द टाइम बट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज व्हेन द टीचर कंसर्न्ड विद द जनरल असेसमेंट ऑफ लर्नर परफॉर्मर इन रिलेशन टू जनरल प्रोग्रेस और रिसेंट लैंग्वेज एंड स्किल डेवलपमेंट. मॉनिटरिंग कब होता है, जबकि स्पीकिंग एक्टिविटीज होती है या फिर रिटन जो एग्जाम होता है, रिटन प्रैक्टिस एक्सरसाइज होता है, ये सारे टाइम पे मॉनिटर होता है कि वो उसका एक्यूरेसी कितना है, मॉनिटर्ड होता है उसका एक्यूरेसी. जो कि ग्रुप एक्टिविटी आर मॉनिटर फॉर टास्क अचीवमेंट एंड फ्लुएंसी. फ्लुएंसी बच्चों की देखी जाती है, एक्यूरेसी देखी जाती है, एक तरह से टेस्ट होता है उसका, वो रिजल्ट देखा जाता है. ठीक है, पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग being aware of the whole class. The teacher should always be aware of how the class is getting on, whether the pace is too fast or too slow. मॉनिटर करने का ये पर्पस होता है कि देखा जाता है कि बच्चे मतलब क्लास में बहुत फास्ट जा रहे हैं या स्लो जा रहे हैं. पूरे क्लास को मॉनिटर किया जाता है कि बच्चे कितना अवेयर है चीजों से. लिसनिंग फॉर एरर इन द टारगेट लैंग्वेज, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है. लिसनिंग इंश्योर डैट द लर्नर आर ऑन टास्क. लर्नर जो है वो अपने टास्क पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. टेकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर माइक्रो टीचिंग टू इंडिविजुअल्स और पेयर्स हु हैव क्लियरली नॉट ग्रास्प द टारगेट लैंग्वेज. जो नहीं समझते उनको माइक्रो टीचिंग के थ्रू, अपॉर्चुनिटी के थ्रू उनको अच्छे से समझाया जाता है. असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्लुएंसी. फ्लुएंसी डेवलपमेंट की जो फ्लुएंसी की जो डेवलपमेंट है वो एक्सेस किया जाता है. टास्क देखा जाता है. प्लानिंग मॉनिटरिंग सारी चीजों को मतलब बहुत अच्छे से मॉनिटर किया जाता है. मैनेज मेंटेनिंग डिसिप्लिन.
Large group may become restless and bored if some learner have finished the task before others. कुछ बच्चे होते हैं कि सबसे पहले वो टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, तो अदर जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा मतलब कि रेस्टलेस या बोर्ड फीलिंग करते हैं, तो वो सारी चीजों को मॉनिटर किया जाता है. प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग क्या होता है? मॉनिटरिंग इज एन एक्वायर्ड स्किल विच होपफुली बिकम अ गुड हैबिट. लेस एक्सपीरियंस टीचर में फील दैट दे नीड टू मॉनिटर क्लोजली एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर ऑफ एक्टिविटीज, वाइल अदर टीचर फील दैट दे शुड बी इन्वॉल्व एट ऑल टाइम्स एंड दैट मॉनिटरिंग इज द सोल्यूशन. मॉनिटरिंग मतलब कि कुछ टीचर्स को लगता है कि उन्हें अभी भी मॉनिटर करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है. कुछ टीचर है कि बहुत अच्छे से चीजों को मॉनिटर कर लेते हैं. कैसे? मूव चेयर अवे फ्रॉम वॉल्स. चेयर्स को वॉल से दूर रखा जाता है. मेक श्योर दैट देयर इज क्लियर रूट अराउंड द क्लासरूम. क्लासरूम में क्लियर रूट होना चाहिए टीचर्स के इधर उधर आने जाने के लिए. अरेंज सेटिंग टू द ऑल स्टूडेंट आर विजिबल फ्रॉम व्हेरेवर जब टीचर इज पोजिशन. टीचर जहां रहता है वहां से सारे स्टूडेंट उनको दिखने चाहिए. मॉनिटर पेयर्स ऑफ ग्रुप रैंडमली. पेयर ऑफ ग्रुप बहुत ही रैंडम होना चाहिए. डोंट स्पेंड टू मच टाइम विद वन इंडिविजुअल. पेयर ऑफ ग्रुप मेक श्योर दैट ऑल लर्नर आर मॉनिटर. सिर्फ एक या दो बच्चों पे नहीं, पूरे बच्चों पे मॉनिटर करना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है. रेदर देन स्टैंडिंग और क्राउचिंग, सिट विथ पेयर और ग्रुप. अ चेयर विथ व्हील्स नडीज विद व्हीकल फॉर मूविंग फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप. सिर्फ खड़े रह के ऐसे गाइडेंस नहीं करना है या बोलना नहीं है. बच्चों के साथ मिल के बैठ के उनको देख के समझ के अच्छे से मॉनिटर करना होता है. तो ये सारी चीजें मॉनिटरिंग के अंदर आती है. लीडिंग, टीचिंग एंड लर्निंग. इन टीचिंग लीडिंग इज दैट वर्क अ टीचर डज टू मोटिवेट, इनकरेज एंड गाइड स्टूडेंट सो दैट दे विल रैपिडली रियलाइज द ग्रेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव. बच्चों को मोटिवेट करना, इनकरेज करना, जिससे कि वो अपने मोटिव और गोल्स को रियलाइज कर सके और उसके लिए काम कर सके. इन शॉर्ट इज एज एन इफेक्टिव मैनर द टीचर शुड फॉलो द फॉलोइंग टू थिंग्स फॉर लीडिंग एंड टीचिंग. हार्नेसिंग स्टूडेंट मोटिवेशन एंड सेकेंड वॉज इज सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मोटिवेशन स्ट्रैटेजी. ये दोनों चीजें हैं जो कि टीचर्स फॉलो करते हैं मोटिवेट करने के लिए बच्चों को. हार्नेसिंग स्टूडेंट मोटिवेशन क्या होता है? एंड इफ सिंग मैनेजर द टीचर शुड फॉलो द हार्नेसिंग स्टूडेंट मोटिवेशन फॉर लीडिंग एंड टीचिंग. सो द स्टूडेंट मोटिवेशन टूवर्ड लर्निंग विल हेल्पफुल टू द टीचर फॉर लीडिंग एंड टीचिंग. अटैचिंग स्टूडेंट मोटिवेशन टू द टीचर क्रिएट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव विच विल क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट टू. हार्नेसिंग स्टूडेंट मोटिवेट टू लर्नर विल इंक्रीज इफेक्टिव लीडिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड टीचिंग लर्निंग. मेनली यहाँ बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि बच्चे अपने गोल और ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब उसको पूरा करने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर सके. और टीचर को भी ये हेल्पफुल होता है. अगर वो अच्छे से खुद से एफर्ट करेंगे तो टीचर को भी बहुत हेल्प होता है बच्चों को समझाने में. सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मोटिवेशन स्ट्रैटेजी. ऑब्जेक्टिव टू बी रियलाइज. इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको रियलाइज करवाना चाहिए बच्चों को कि क्या उनका गोल होता है. इनरिच लर्निंग एक्सपीरियंस. नीड ऑफ स्टूडेंट टू इनरिच लर्निंग एक्सपीरियंस. नीड ऑफ क्वालिटी ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोटिवेशन. एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व इन टास्क. स्टूडेंट को जितना हो सके टास्क में इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे कि उनका इंटरेस्ट जगता है और वो मोटिवेट होते हैं. नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग टीचिंग लर्निंग. कंट्रोलिंग इज अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट टीचिंग लर्निंग कंट्रोलिंग इज अ लास्ट इंपॉर्टेंट फेज आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग. कंट्रोलिंग लास्ट फेज होता है. राइटली ऑब्जर्व इन टीचिंग कंट्रोलिंग इज अ वर्क अ टीचर डज टू डिटरमाइन वेदर हिज प्लान आर बीइंग कैरिड एंड इफेक्टिवली. ऑर्गेनाइजिंग इज साउंड. लीडिंग इज द राइट डायरेक्शन एंड हाउ फार दिस फंक्शन आर सक्सेसफुली इन रियलाइजिंग सेट ऑब्जेक्टिव. वो हर चीजें कंट्रोल करते हैं, मतलब देखते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन साउंड कर रहा है, राइट डायरेक्शन पे लीड हो रहे हैं या नहीं बच्चे, फंक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेट ऑब्जेक्टिव रियलाइज करते हैं. एक्टिविटी ऑल्सो मॉडिफाइंग दिस करिकुलम. टीचिंग स्ट्रेटेजी, टीचिंग टैक्टिक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी मॉडिफाइंग करते हैं. स्टेप्स इन कंट्रोलिंग. इवेल्युएटिंग द लर्निंग सिस्टम. मेजरिंग लर्निंग. मैनेजिंग बाय लर्निंग ऑब्जेक्टिव. लर्निंग सिस्टम को इवेल्युएट करते हैं. लर्निंग को मेजर करते हैं कि कितना प्रॉपर वो लर्निंग जा रहा है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैनेज करते हैं. ये सारी चीजें आती है कंट्रोलिंग के अंदर. लास्ट टॉपिक है लेसन प्लान. लेसन प्लान इज दैट स्मॉल यूनिट और यूनिट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच अ टीचर टीचेस इन अ डिफाइनाइट पीरियड.
लेसन प्लान एक छोटा सा यूनिट होता है किसी भी सब्जेक्ट का मैटर का जो कि टीचर टीच करते हैं डिफाइंड पीरियड में, मतलब एक लिमिटेड टाइम में। अकॉर्डिंग टू बिंगिंग एंड बिंगिंग, डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग सब्जेक्ट मैटर, डिटरमाइनिंग द मेथड और प्रोसीजर। वही सेलेक्ट करना, अरेंज करना, डिटरमाइन करना, मेथड और प्रोसीजर को, ये सारी चीजें लेसन प्लानिंग के अंदर आती है, स्टेप्स इन लेसन प्लानिंग। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर किसी भी चीज का डालना होता है, जैसे कि कोई भी आप लेसन प्लानिंग करते हो, ठीक है, उसमें सीरियल वाइज टॉपिक को आप लिखते हो, ठीक है, डेट डालते हो, क्लास किस चीज की चल रही है, वो सारी चीजें डालते हो। सीरियल नंबर, द सीरियल नंबर ऑफ द लेसन प्लान फैसिलिटेट हिम एंड हिज सुपरविजन टू नो द नंबर ऑफ लेसन टॉट एंड अनटॉट, नंबर कौन सा नंबर लेसन पढ़ाया जा रहा है, डेट डालते हो। क्लास, द लेसन प्लान मस्ट बी बियर द क्लास फॉर विच द पीपल टीचर हैज प्रिपेयर्ड इट, इट इज अ बेनिफिशियल इन टू वे, द पीपल टीचर कैन सेलेक्ट द टीचिंग मैथड इन अकॉर्डिंग्स विद द मेंटल लेवल ऑफ द पीपल, मेंटल लेवल पीपल का देख के अपना परफॉर्म करते हैं। द सुपरवाइजर कैन ऑल्सो जज वेदर द कंटेंट मटेरियल एंड टीचिंग मैथड इज अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द पीपल, बच्चों का मेंटल लेवल देख के सारी चीजें वो प्रिपेयर करते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना, द लेसन प्लान विल मैच द सब्जेक्ट, since the teaching aim of every subject are different, these would be written in the lesson plan concerning the subject which is to achieve by the pupil teacher. time and period decide hota hai kitne time tak padhana, name of the school aap daliye, fir topic daliye, general aim and objective kya hota hai, specific aim or objective kya hota hai, ye decide hota hai. jaise ki for example, if a lesson plan of history, the knowledge about Akbar administration is to give in, the pupil teacher should write the specific aim to administration of अकबर। तो जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ाते हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। मटेरियल एड, अंडर द पॉइंट द पीपल टीचर शुड मेंटेन इन शॉर्ट द मटेरियल एड विद द हेल्प ऑफ विच द पीपल्स आर टू बी लर्न द लेसन। प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज बच्चों का देखा जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता है कि बच्चे कितना पढ़कर आए हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन by asking some question of previous knowledge, by storytelling, by interrupting or explaining the subject, by reciting the poem, by some other method. Introduction of subject, ठीक है, statement of aim, the people will become aware of objective of new lesson, they will start to participate to achieve the goal, the teacher will also succeed in presenting the subject matter in order. Presentation, each unit should be complete in itself, each unit should have the relationship with other units so that there is coordination between them, each unit should be developed according to the sequence, aisa presentation hona chahiye. comprehensive question, comprehensive question are those question with help of which teacher comes to know whether the pupils gained the understanding of the taught lesson or not, kya bacche question jo bhi lesson padhaya gaya usko samjhe hain ya nahi samjhe. blackboard summary, on the basis of comprehensive question the blackboard summary is prepared, therefore pupil teacher should not write blackboard summary at their own, but they should write the short from the answer, short form of the answer to the question asked in the end of the unit. jo bhi unit khatam hone pe ek short question pucha jata hai uska answer bachcho ko taiyar karna hota hai. recapitulation, after presenting each unit the teacher should mention some recapitulation question, the lesson will be revised, the knowledge acquired by the pupil will be explored, the teacher would be clear about the limit to which he is successful in acquiring his activity. lesson ko revise karna, knowledge kitna capture hua hai pupil ke dwara, matlab ki bachcho ke dwara ye cheez dekhna hota hai, teacher clear hota hai ki wo successfully acquire kiya hai ki nahi objective iske bare mein. to ye sara cheez aata hai aapka lesson plan ke andar, is sab ko heading mein dal ke andar aap 2-3 line likhna zarur, अगर लेसन प्लान क्वेश्चन में आता है तो शॉर्ट्स में. थैंक यू सो मच गाइस.